नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज स्पेशल हमारे टीम लेकर आए हैं, एक स्पेशल शो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया यूट्यूब चैनल के। मेरे साथ है अनमोल जी और आकाश और सूरज भाई, स्वागत है आप तीनों का। धन्यवाद बहुत शुक्रिया। और पलाश जी। थोड़े ही समय बाद कैलाश जी भी जुड़ेंगे, थोड़े समय के लिए ही जुड़ेंगे पर जुड़ेंगे जरूर वो भी। तो हमारी जी जो टीम बिल्कुल है आप लोग को बता दे। चलिए सूरज भाई, आकाश भाई, आप दोनों एक बार फिर से आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत भाई लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू तो दादा। अभी हम कुछ ही क्षण में हमारा सेलिब्रेशन वाला सीन शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दे, काफी कुछ है आज के दिन बात करने के लिए, काफी इमोशंस है, काफी चीजें हैं जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। तो चलिए कैलाश भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और नमस्कार मैं सर। बताना चाहूंगा बहुत सारी खुशियां हैं जो आपके साथ बांटनी है जी हाँ, तो कैलाश भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी। पहले मेरे तरफ से जो हमारे जो यूट्यूब में जो सभी जो मेंबर 400 मेंबर जुड़े हैं उनको सबसे पहले मेरा सप्रेम नमस्कार। और जो ये सब जो आज ये सब जो हुआ है वो सब आपकी वजह से, आपकी इस पर सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि हमें और ऐसे सपोर्ट कीजिए, आपके साथ साथ और मेंबर को जोड़िए ताकि हाँ ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल इंडिया का। बहुत शुक्रिया कैलाश भाई। और सबसे बात बता दें आपको, कैलाश भाई की थोड़ी तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद भी इस समय वो हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नहीं, इसमें एक कुछ शुक्रिया रखी, कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ एक हमारा परिवार है ये, तो इस पे हम सबको अपना पार्टिसिपेंट रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ और पलाश भाई, सूरज भाई, आकाश भाई, हम तो चारों है ही। आगे के ऊपर प्रोसीड करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले पोस्ट शेयर किया था, जो कि हमारे साथ पीछे जिन्होंने हेल्प की है उन सब के साथ हमने एक नाम मिस कर दिया था जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इमेजेस प्रोवाइड करते हैं हर वीडियो को, उनका नाम है आदित्य पाटिल, जो कि काफी हमारे यंग फ्रेंड है, युवा साथी है, और उन्होंने बहुत ही समय से हमारे साथ काम करना शुरू किया और अच्छे से हमको हर एक कंटेंट की इमेज प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल, और उनका दादा भी एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, विकेट कीपिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं अगर जी हाँ, विकेट कीपिंग तो अच्छी करते ही खेले है और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। और साथ ही साथ अभी उन्होंने उन्हें लगातार हम वो हमें इमेजेस देते रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। तो इस सब के बाद और एक चीज कहूंगा कि भाई आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि हम अब जो इस सेलिब्रेशन वाले इस मोमेंट को और सब लोगों के साथ मिल के साझा कर सके। तो पलाश भाई, आकाश भाई, और एक सूरज भाई, जी हाँ बिल्कुल, और एक स्पेशल बात आपको बता दूं मैं आप सभी को कि इस स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया यूट्यूब चैनल पर काम करने के साथ साथ हमारे जो टीम है वो स्टडी भी कर रही है, स्टडी के साथ साथ ये काम भी कर रही है, तो इसके लिए ये तारीफ के काबिल है कि हमारी टीम दोनों काम एक साथ संभाल रही है। वहीं और भी अदर काम करते ही रहती है, कहीं ना कहीं कहीं बाहर के काम, कहीं बाहर जाना, कहीं बाहर कंपटीशन पे जाना, ये भी काम हमारी टीम करते रहती है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मौजूद रहते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है अनिल जी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा पलाश भाई आपने। हमारे स्पोर्ट्स क्लब के अलावा अलग ही अलग 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 तरीके के कमिटेड चीजें रहे, ये अलग अलग तरीके से हमने एक दूसरे को, मतलब हम लोग हर तरफ पे कमिटेड रहते हैं। मतलब अभी कुछ ही क्षण में हमारे कुछ ही दिनों बाद हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके बाद भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। और अभी एक और सरप्राइज आपके लिए लाएंगे ही, अभी काफी दिन बाद और कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम के बाद फिर से हम लोग वापस आएंगे, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये जब से हमारे एग्जाम चल रहे हैं, जब से यूट्यूब चैनल बना है, तब से एग्जाम्स को भी हमने इसके साथ साथ मैनेज किया है। बहुत ही बढ़िया चीज रही है पलाश भाई ये, कि हम सब ने मिलके इस सबको इतना अच्छे लेवल तक ला लिया है। अब हमारे 400 सब्सक्राइबर, बिल्कुल, और दादा ये आसान नहीं 400 होता, ये आसान नहीं होता इन मतलब इन कामों को करते हुए चीजें मैनेज करना, क्योंकि काफी क्रिटिकल होता है। एक तरफ हमें अपने काम का भी ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरी ओर मतलब हमें यहाँ भी प्रॉपरली देखना पड़ता है कि जो हमारे व्यूवर्स है उनका भी पूरा ध्यान इसलिए हमें रखना पड़ता है कि उनको एक सहज तरीके से हम अच्छी जानकारी पहुंचा पाए।
इसके बारे बिल्कुल में कैलाश भाई आप क्या कहेंगे? क्या स्टडीज, जो हम लोग स्टडीज और सारी चीजें एक साथ मैनेज करते हैं, उसके अलावा भी यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये तो एक कैसे कि थोड़े एक हार्ड काम है, फिर भी हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन जो बाकी हमारे दोस्तों को मिल सके, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और हमें इस चीज़ में और सपोर्ट कीजिए आप लोग सभी। या सभी लोग सपोर्ट कीजिए। अब हम एक स्टोरी के ऊपर चलते हैं, एक राउंड अप देंगे शायद दर्शकों को, तब लोगों को समझ आएगा कि ये स्पोर्ट्स क्लब का आइडिया कहाँ से आया, उसके बाद सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक हम शुरुआत लोगों ने कहाँ से शुरू कर दिया था। तो आई शुरुआत हमने थिंक व्हाट्सएप से की थी पहले। तो उससे पहले भी अगर हम याद करें पलाश भाई, हम लोग सब एक हॉस्टल में पढ़ते थे, आप सबको याद होगा, हम तीनों अच्छे जी, से एक दूसरे को वहीं से जानते हैं, चारों, हम एक्चुअली हम पांचों लोग एक दूसरे को वहीं से अच्छे से जानते हैं। तो सूरज भाई जो कि हमारे सीनियर थे स्कूल में, उन्होंने पहले ही हमसे पास कर लिया था, उनके उन्होंने पहले ही हमारे, मतलब आप कह सकते हो कि उन्होंने पहले ही हमसे पहले ही उस स्कूल से वो क्लियर हो गए थे, उसके बाद हम लोग क्लियर हुए। लेकिन उस जब हम लोग 8, 9, 10 में हुआ करते थे, तो एक फैसिनेशन हुआ करती थी कि हम लोग भी क्रिकेट को लाइव कवर करें। हम लोग याद है कि एक साथ बैठे करते थे हॉस्टल के रूमों में, और बिल्कुल ये इमेजिन रेडियो की किया करते थे कमेंट्री कि हम सुन रहे लोग, थे। हाँ, या क्रिकेट रेडियो की देख, और वो कमेंट्री। क्रिकेट देखने का मजा भी कुछ अलग होता था। हाँ, उस टाइम पे मतलब सब लोग, हम लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे को बताते रहते थे भाई इस तरह का एनालिसिस करना है, इस तरह का एनालिसिस करना है। मुझे अच्छे से याद है वो सीडीज, जब जब से कैलाश भाई ने एंटी इंडिया रुख अपनाना शुरू कर दिया था, साउथ अफ्रीका वाली वो सीरीज थी, जब से तब से एंटी इंडिया रुख अपनाना शुरू किया था इन्होंने, एक भी तब से लेके अभी तक एक भी गेम में उन्होंने इंडिया को जीतने का सपोर्ट ही नहीं किया है, एक भी बार प्रेडिक्ट नहीं किया कि इंडिया जीतेगा। तो उस सीरीज से लेके हमने, मतलब आज उस भी नहीं टाइम करता मैं। जी, आज भी नहीं करते, आप सुन ही सकते हैं कि आज भी नहीं करते, तो आप सुन सकते हैं कि कितने एंटी इंडिया है। तो आप क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर व्यक्ति अगर एक ही टीम को सपोर्ट करे, तो फिर कैसा फिर मैच वन साइड हो जाता है, इसलिए कैसा एक ना एक इंसान अलग होना चाहिए उनके। अगर वहाँ 50 लोग अगर एक साथ बैठे, तो कम से कम 10 लोग तो भी अलग रहने चाहिए, जैसे हम खुद से खुद में डिबेट कर सके हम। और उसी टाइम पे हम लोगों को मजा आता था, क्यों पलाश भाई, हम लोग रेडियो पे मैच सुनते रहते थे, एक दूसरे से डिबेट करते रहते थे हर पॉइंट टॉपिक पे। जब साउथ अफ्रीका जीत जाता था तो कैलाश भाई खुश होते थे, और जब इंडिया जीत जाता था तो हमारे पूरे हॉस्टल भर में एटमोसफेयर ही अलग होता था। अभी अच्छे से याद है मुझे वो जोहानिसबर्ग का टेस्ट मैच, जब हम हार रहे थे ऑलमोस्ट, हमें लग रहा था कि अब ये गेम वन साइडेड है और 3-0 से इंडिया सीरीज आ रहेगा, वहां पे वो बुमराह का स्पेल आया, उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई थी कि हम लोग एक अच्छा चैनल बनाए जहाँ पे हम लोग इसी तरह से कंटेंट दे, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो उसके बाद से सिचुएशन ऐसा बना कि जब लॉकडाउन आया, मतलब 2019-20 का लॉकडाउन आया कोविड के टाइम पे, तब हम लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं एक्चुअली दोस्तों, तो मतलब सभी के पास कुछ नहीं था उस टाइम करने के लिए। तो हम लोग ऐसे दिन दिन भर ऐसे बातें करते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही हॉस्टल में थे, तो हम लोग बातें करते रहते थे एक दूसरे से, तो ऐसे ही बातें और करते दादा, रहते। मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। बीच में एक समय ऐसा भी आया था कि मैं और दादा मतलब अलग हो चुके थे, अलग मतलब कांटेक्ट वो प्रॉपरली था नहीं, हाँ, पर वो भी हम सीडी, प्रशांत वो भी चीज हाँ मुझे अच्छे उसके से याद है। यूट्यूब पे जुड़े थे। यस हाँ, मुझे अच्छे से याद है ऑल इंडिया हाँ, रेडियो की तो लाइव वहां हमने स्ट्रीमिंग थी वो। हाँ जी हाँ, मुझे वो अच्छे से लाइव याद है स्ट्रीमिंग ऑल थी। इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग थी। मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूँ। तो वो ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उस टाइम, हम लोग मतलब हम लोग सब रैंडमली जुड़ते रहते हैं ना, तो इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही थी, टेस्ट नहीं, वेस्ट सीरीज थी, इंडीज और में उस चल टाइम, रही थी। हाँ, वेस्ट इंडीज में ही टेस्ट सीरीज थी, और ऑल इंडिया रेडियो उसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसके थोड़ा सा माइक्रोफोन आप लोग दूर रखे, हवा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा हवा पास हो रही है, तो थोड़ा सा माइक्रोफोन अपने हेडफोन का थोड़ा सा दूर रखे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारे दर्शकों को ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं ये बोल रहा था कि उस टाइम पे क्या सीन हो रहा था, जब हम लोग लाइव मतलब लाइव चैट पे चैट्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ ऐसे ही फन के लिए, वहां पे मुझे सूरज भाई दिखे, बिकॉज ही वॉज सीनियर, तो काफी समय के बाद हम लोग का कॉन्टेक्ट हुआ था। तो एक्चुअली मैं उस टाइम लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने ऐसे एक कमेंट मारा कि इंडिया विल विन और समथिंग समथिंग लाइक दैट। वहां पे उस टाइम पे मैं अपना ओरिजिनल नेम यूज करता था, बिकॉज मैं भी ऐसा टिपिकल न्यू एंड्रॉयड यूजर था उस टाइम, नया नया फोन था, अलग ही एक्साइटमेंट वगैरह वगैरह। तो
तब सूरज भाई ने मुझे वहां से पहचान लिया शायद, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे से लाइव नहीं, चैट में दादा पब्लिकली उस बात समय ना हुआ क्या था, उस समय हुआ यह था मैं एकदम हैरान कि हाँ ये यहाँ कैसे। फिर मतलब मैंने पूछा कि कहाँ रहे आजकल कहाँ हो, तो पूरा बताया इन्होंने कि मॉरिस कॉलेज में हो ये वो है ना। फिर ऐसे करते करते हाँ, तो जैसा कि आपने बोला कि उसके बाद तो हाँ मैं अभी हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। मुझे लगता है अगर हम ज्यादा बैकग्राउंड दे देंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा सब लोग इकट्ठा ही थे ऑब्वियसली, और उसके बाद धीरे 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 ऐसा प्लान आउट हुआ कि चलो ऐसी चीजें भी करते हैं। उसमें फिर 2020 में हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप का, एक व्हाट्सएप समूह का पार्ट हुआ करते थे, उसका नाम था स्पोर्ट्स क्लब। उस व्हाट्सएप समूह का हाँ, एक्चुअली में शुरुआत जो, हुआ था जो, जी हाँ, आज भी उसमें चल रहा है, उसका, उसमें उसका यदि पार्ट में, जी हाँ उसमें यदि देखे तो हाँ जी हाँ जी पलाश भाई उसमें उसमें यदि देखे तो सूरज भाई ने ही हमें ऐड हाँ, करने हम के लिए कहा सबको हाँ, था। हम सबको इंट्रोड्यूस सूरज भाई ने किया था। एक्चुअल जी में हाँ सूरज भाई स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हुआ करते थे उस टाइम पे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मुझे और उसके बाद फिर आकाश और पलाश भाई को। फिर धीरे धीरे सिचुएशन बढ़ा, फिर कैलाश भाई भी उस टीम में आए, और उसके बाद हम लोग मिलके उस व्हाट्सएप ग्रुप पे घुसे, वहां पे थोड़ा एक्टिव रहे, इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और पैशन तो हमारा पहले से ही था क्रिकेट के प्रति, उस पैशन के साथ हमने काम किया। और उसके बाद देखो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मनोज भाई और हमारे बहुत सारे एडमिन पैनल्स में उस टाइम जो अमित एडमिन भाई एडमिन थे उनका हाँ, उन्होंने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मनोज भाई बाकी एडमिन्स ने सबने मिलके सपोर्ट किया बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ और उसके बाद अभी भी वो ग्रुप चल रहा है, मनोज हाँ भाई अभी और भी वो अमित भाई चल उस रहा है ग्रुप में बहुत हाँ, ज्यादा एक्टिव मनोज रहते मनोज हैं। जी और मनोज भाई आपको डेली मतलब आर्टिकल्स वगैरह उस व्हाट्सएप समूह पे अभी डालते रहते हैं, वो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और जुड़े भी रहते आपको हैं, आप हमेशा जी गाइडेंस देते मैं रहते बताना हैं। चाहूंगा आपको ऐसे आर्टिकल वहां मिलेंगे कि आपको शायद ही किसी ग्रुप में मिले, बहुत बेहतरीन आर्टिकल मनोज भाई डालते हैं बात। हाँ वो एक बढ़िया एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन जाता है। तो उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन हुआ, अब हम लोग इकट्ठे हुए, तब मैं और कैलाश भाई हम लोग कॉल पे थे एक टाइम पे, और तब हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार ये स्पोर्ट्स क्लब का ब्रांड है और ऐसा है, तो क्यों ना इसको इस ब्रांड को हम थोड़ा और बढ़ाएं, मतलब अब ये व्हाट्सएप ग्रुप है क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। यूट्यूब चैनल का इन द सेंस आइडिया उतना अच्छा नहीं आया था हमको। उसके बाद क्या हुआ था कि आईपीएल चल रहा था, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम लोग गए सब कॉल पे, कॉल का रिकॉर्डिंग किया और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया ऐसे ही टाइम पास के लिए डिस्कशन के फॉर्म पे। तब लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया, तो मुझे लगा नहीं यार थोड़ा और कुछ हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन चल रहा था, तो ऐसे ही कुछ टाइम पास के लिए हमने क्या किया कि ब्लाइंड क्रिकेटर्स को पकड़ना शुरू किया कि उनके इंटरव्यू लेते हैं। मुझे याद है अक्षय बोरेकर जी, जो कि हमारे, मैंने अभी अभी पोस्ट डाला था आपको 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले, उनको क्रेडिट दिया था बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टैंड्स विद अस थ्रू आउट, राइट थ्रू आउट, लाइक उस टाइम भी जब हमारे पास कुछ नहीं था से लेके अब भी। तो उस टाइम पे मैंने अक्षय भाई को अप्रोच किया था, जब अपन का कुछ भी नहीं था तो अक्षय भाई को अप्रोच किया। अक्षय भाई उस टाइम इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, नेशनल प्लेयर ही थे, तो उस टाइम मैंने उनको अप्रोच किया था। उस टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट देने के लिए मतलब हाँ बोला, एक ही अप्रोच पे उन्होंने हाँ बोल दिया इंटरव्यू के लिए, और फिर हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे, शायद आज भी हो वो इंटरव्यू, बट बहुत पुराना इंटरव्यू, लगभग 2 साल हो गए उसको। उसके बाद हमने एक हिमाचल के प्रदेश के एक नेशनल क्रिकेटर रहे थे खेम सिंह, उनको पकड़ा था, उनका इंटरव्यू लिया, तो वो 2-3 सीरीज रही, 2-3 इंटरव्यू लेके हमने उस सीरीज को छोड़ दी, पर उसको लोगों ने काफी इंजॉय किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक वीडियो हमने क्या कर लिया कि उस टाइम पे एक ऐसा अलग ही ट्रेंड बना, तो मैंने अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल खोला। उसमें थोड़ा मुझे लगा कि भाई ऑडियंस बढ़ रही है, धीरे धीरे सिचुएशन सही चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस सब के बाद एकदम से मुझे मेरे माइंड में हिट हुआ कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड ही बनाया जाए। सब पलाश भाई थे हमारे साथ, सूरज भाई थे, आकाश भाई थे, सभी लोग इकट्ठा थे, हम लोग कैलाश भाई थे, हम सभी लोग इकट्ठा थे। तो ये ब्रेन चाइल्ड आइडिया एक्चुअली डेवलप किसने किया था, कैलाश भाई ने। मुझे याद है उस टाइम तक हमारे पास एक स्ट्रीमिंग के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था कि हम ऑडियो मिलके सब कैसे रिकॉर्ड करें, तो उसका जुगाड़ लगाने के लिए क्या हुआ था, मतलब इन द सेंस हम लोग एक क्विज कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे, तो क्या हुआ था एक वेबिनार में गए हुए थे हमारे कैलाश भाई, एक जर्नलिस्ट वाला वेबिनार था, कोई जर्नलिस्ट आए थे, ऑनलाइन ट्रेनर्स फॉर ब्लाइंड एक फाउंडेशन हुआ करती थी, उनके हाँ। वेबिनार में हमारे कैलाश भाई गए हुए थे, उन्होंने मुझे इनवाइट लिंक भेजा था कि चलो आके देखते हैं क्या सीन है,
हम लोग ऐसा टाइम पास के लिए गए थे, मुझे पता नहीं था कि सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली में वहां पे हमें मिले रोहित प्रीत सिंह जो कि उस फाउंडेशन के फाउंडर थे, उनके पास वर्चुअल मतलब बूम बूम का सिस्टम था, जो भी व्हाटएवर था लैपटॉप हुआ करता था। अब एक्चुअली में हमारे पास अभी भी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमारे किसी मेंबर के पास इतना नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक लैपटॉप खरीद सके। बिकॉज देखो अगर हम लैपटॉप खरीद सक रहे होते तो पहले ही खरीद लिए होते और आप लोग के साथ लाइव जुड़ रहे होते, पर हम लाइव नहीं जुड़ पाते आप लोग के साथ इसी वजह से क्योंकि हमारे पास अब लैपटॉप नहीं है। अब हम लाइव स्ट्रीम जो कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं, अब यूट्यूब ने नया फीचर डाला है कि आप लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, तो उससे कर रहे हैं। तो हमारे मेंबर्स के पास इतना नहीं था कि हम लोग मिलके भी पैसे इकट्ठा करके भी हम लैपटॉप खरीद सके। तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि भाई एक लैपटॉप को आउटसोर्स करा जाए, तो उस लैपटॉप तो उस लैपटॉप को आउटसोर्स करने के लिए हमने वहां पे रोहित भाई को अप्रोच किया, थैंकफुली ही हेल्प्ड अस। जब हमने चैनल क्रिएट किया 24 सितंबर को, इफ यू रिमेम्बर, अभी भी आप ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो 24 सितंबर 2020 को हमने जब चैनल क्रिएट किया, पहले दिन हम लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। उस टाइम CPL चल रही थी जब मुझे याद है, और हम लोग हर दिन शाम को शो किया करते थे CPL के मैचेस के बारे में डिस्कस करते थे, सब लोग जूम पे इकट्ठा होते थे और जूम से उस शो को लाइव स्ट्रीम किया करते थे। धीरे 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 करते करते हम लोग डेली रहे, उसके बाद फिर कुछ इश्यूज के वजह से हमने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, पर तब तक हमारे पास एक ऑडियंस बिल्डअप हो चुका था। फिर धीरे धीरे 50 से 100 तक आने के चक्कर में एक मुझे याद है ट्रायंगुलर सीरीज आई, जहां से हमें मोमेंटम बूस्ट हुआ। अगर आप सबको याद हो तो इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान थी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान, पहला कैलाश भाई आपको याद है वो ट्रायंगुलर सीरीज, उस टाइम कोविड चल रहा था, हम लोग सभी घर में ही थे और हॉस्टल में था मैं। आप हॉस्टल में थे आप लोग सभी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सब 12th में हुआ करते थे और हमारे बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट सर पे थे, कह सकते हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले, ऐसा कुछ चीजें आ रही थी, न्यूज़ेस आ रही थी हमारे बोर्ड एग्जाम, उस टाइम हमारे बोर्ड एग्जाम होने वाले 23 अप्रैल से। हाँ, और आप लोग सभी आप लोग थे हॉस्टल पे। उसके बाद क्या हुआ था, सीन क्या हुआ, सिचुएशन उसके बाद मतलब उस ट्रायंगुलर सीरीज के कंटेंट के बेसिस पे क्या हुआ कि हमारे अक्षय बोरेकर सर उस टाइम वो सिलेक्ट हुए थे सीरीज में, साथ ही अक्षय चौधरी जो कि हमारे साथ पहले से ही पार्टनर मतलब स्पोर्ट्स क्लब के एक शो में आ चुके थे, तो वो भी सिलेक्ट हुए थे। तो हमारे पास लाइक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आने लगी कि ड्रेसिंग रूम में इस समय क्या चल रहा है, ड्रेसिंग रूम का माहौल इस समय क्या है, एनालिसिस क्या करना चाहिए, क्या स्क्वाड है। और उस टाइम पे जितना ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में हमें पता था, धीरे 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 हमने उसको एक्सपैंड करना शुरू किया। मुझे याद है जब पहला वीडियो बना के हमने खत्म किया था, हम सबको याद है कि किसी को नहीं लग रहा था कि इतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मुझे याद है कैलाश भाई आपने मुझे कॉल पे कहा था कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वही एवरेज है, 20-30 व्यूज के अलावा अपन को कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब हमने व्यू काउंट देखा तब हम सब शॉक्ड हो गए कि भाई एकदम से इतने सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। याद है कैलाश भाई, पलाश भाई, अपन सब तीनों कॉन्फ्रेंस में थे उस टाइम और इकट्ठे एकदम से हमने कितना 70-80 व्यूज का काउंट देखा। और उस टाइम हमारे लिए फर्स्ट इंसिडेंट था कि इतना इतने सारे व्यूज आए हैं। तो उस टाइम पे इस तरह का एटमोसफेयर बनाना मतलब अलग ही लेवल का वो एटमोसफेयर था। पलाश भाई आपको याद है वो सीरीज? जी हाँ बिल्कुल 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 याद है, और बहुत ही जबरदस्त वो सीरीज है जो हुई थी उस टाइम का जो सीरीज रहा वो बहुत ही रोमांचक सीरीज भी रही थी। और एकदम से हमें इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि हमें लगातार वीडियो डालना चाहिए, लगातार वीडियो डालना चाहिए, लगातार वीडियो डालना चाहिए। इसलिए याद है कि उसमें कैसा उस सीरीज पाकिस्तान ने वो ट्रायंगुलर सीरीज जीत लिया था। आप बस कैलाश भाई एंटी इंडिया होने का बस आप यही करते रहिए साहब, और अभी तो इंडिया को सपोर्ट कर दो भाई, ऑनलाइन क्रिकेट में तो कर दो यार, नॉर्मल्स की बात अलग है। मैं कहता खेल पूरे खेल में मेरे मैं मेरे बेटे से एक समान होते हैं, और इस टाइम मैंने होटल पूरा हंगामा किया था होटल मेरे के पाकिस्तान जीत गया मुझे ऐसा है कि वो हमारा दुश्मन है, मेरे कैसे स्पोर्ट पर्सन के लिए वो एक हम कैसे दुश्मन की तरह नहीं देखता, कैसे खेल खेल होता है, जब एजी शत्रुता है वो अलग है हमारी। पूरा हंगामा कर देता, अरे इंडिया हार गया, अरे इंडिया हार गया, कुछ बच्चे थे हमारे उनने मुझे बहुत गालियां पके थे मेरे को बोलना तो ऐसा है वैसा है। उस टाइम मैंने आ रही है सूरज भाई हाँ कैसा होता है अगर
इंडिया अगर हारता है, कोई अपोजिट टीम रहती है, ऑब्वियसली गालियां तो पड़ती है जो अगेंस्ट वाला रहता है उसको, वो तो पड़ना ही है। हाँ, अगेंस्ट वाले को तो पड़ती है एक्चुअली में। तो उस टाइम पर पहली बार अकेला जाके रात को मुझे 9:30 बजे मुझे न्यूज मिली थी। मुझे अक्षय सर ने मुझे न्यूज दे दे, अरे कला बोले हम हार गए यार, बोले फाइनल कौन जीता, बोले पाकिस्तान में मैच जीत ले यार, बोले हम हार गए। बोले उस टाइम में मुझे ऐसे नहीं क्या, मुझे एक जोश में लगभग पहली बार 10:30 बजे में बाहर गया था और 10 बजे चॉकलेट लेके आया था कैडबरी, और ऐसा हुआ था आते साथ तो गाड़ी में जाके टकरा गया था मैं उस टाइम, इसलिए मुझे याद है वो चीज। तो देखो ऐसा है कि जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता उसका कर्म बुरा ही होता है और बुरे कर्म का बुरा नतीजा, इसलिए टक्कर भी हो गई भाई। नहीं, मेरे टक्कर खाने के लिए मैं तैयार हूँ हमेशा। मतलब ये वर्ल्ड कप भी आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? नहीं, वर्ल्ड कप में वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। क्या क्या आकाश भाई क्या बोला आपने? वर्ल्ड कप में भी कैलाश भाई हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोज अगर इंडिया और अगर और फाइनल रहा तो मैं इंडिया को छोड़ दूंगा और अगली टीम को सपोर्ट करूंगा। बस 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 वही निकल गया ना कि आप इंडिया को सपोर्ट नहीं करने वाले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैच देखने में मजा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। अगर सभी एक टीम को सपोर्ट करेंगे तो मैच देखने में क्या फायदा? फिर एंटी इंडिया बन के आपको मिलता क्या है ये बताओ? मुझे खुशी मिलती है सबसे बात बोले तो खुशी, और लोगों के साथ इवेंट करने में जाते लोग मेरे पर क्या सोचते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इससे आगे हमको क्या हुआ ना अनमोल भाई, अब इन्होंने सपोर्ट किया था इंग्लैंड और इंडिया के जो सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को, इंग्लैंड को सपोर्ट किया इसलिए इनकी गुवारी लग गई इंडिया को और इंडिया हार गया मैच। और एक्चुअली में उस दिन मुझे याद है यार, इतना ट्रोल होना पड़ा था आपको, याद ना हो। अब हम लोग तो अभी दोनों साथ में ही है, तो एक्चुअली में उस दिन से लेके अगले दिन तक जब इवन कबड्डी की लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं, तब भी एक डायलॉग है हमारे आरजे रौनक साहब मानते हैं, सूजी है सूजी है सूजी है, रोज अनमोल सूजी है अनमोल सूजी। अरे भाई हो गया यार, हार गए कुछ नहीं, एक मैच था हार गए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, लेकिन इस लेवल पे ट्रोल किया यार एक्चुअली में। चलो तो हम अपनी स्टोरी से भटक रहे हैं, हम आते हैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी पे। तो उस ट्राई सीरीज के टाइम पे एक्चुअली में मतलब सब मतलब इतने सारे व्यूज हुए, 100 सब्सक्राइबर्स एकदम से, इट वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और जब वो ट्राई सीरीज खत्म हुई, 100 सब्सक्राइबर्स हुए, हम लोग सब बहुत खुश थे। उसी टाइम पे हमारे घर में मतलब हमारे नाना जी की देहांत हुआ, नाना जी का, उस टाइम पे आईपीएल चल रहा था। और एक्चुअली में सिचुएशन ये था कि मैं कवर नहीं कर सकता था, इस लेवल का एटमॉस्फेयर था कि मैं कवर नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने पुश किया खुद को कि नहीं हमें कवर करना ही होगा, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मुझे लगा कि भाई एक मोमेंटम है हमारे पास, उस मोमेंटम को बिल्डअप करना चाहिए। इवन सबको ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हम लोग सब पढ़ाई भी कर रहे थे उस टाइम, आईपीएल भी चल रहा था और इतने सारी चीजें थी, एटमॉस्फेयर भी घर का खराब। उसके बाद हम लोगों ने मिलके इतना सब कुछ करने के बाद कोशिश की, उस टाइम पे हम डेली वीडियो बना करते थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम वर्चुअली जुड़ सके। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे एक ऑडियो एडिटिंग एप्स कुछ टूल्स होते हैं, उस ऐप से हम लोग अपने एक दूसरे के ऑडियोज मर्ज करके एक शो बनाया करते थे। और आप सबको याद हो तो हम लोग गेम प्लान दिया करते थे, है कि नहीं पलाश भाई? हम लोग गेम प्लान दिया करते थे उस टाइम पे और हर प्लेयर के ऊपर एक सेटिंग, गेम प्लान से लेकर पिच रिपोर्ट तक हमारा स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया पर आप देखते हैं, गेम प्लान से लेकर पिच रिपोर्ट तक। तो पिच रिपोर्ट भाई आजकल इतनी ऐसे स्टेज पर कोई पिच रिपोर्ट दिखाता नहीं है इतनी खास तौर पर, जो हम आपको पिच रिपोर्ट दिखाते थे उस तरीके का पिच रिपोर्ट कोई भी चैनल पर नहीं दिखाता उतना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उस टाइम पे हम लोगों ने जिस लेवल पे आईपीएल को कवर करा था, उसके बाद एकदम से बीच में हम लोगों का लिंक टूट गया, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ था बीच में, इश्यूज आ गए। अब जो मैं पुराना डिवाइस यूज करता, यहां पे एक बात बताना चाहूंगा, एक आईपीएल ऐसा भी था जहां पलाश भाई दुबई भी गए। हाँ जी हाँ, वो आईपीएल था 2020 का ही आईपीएल का रीफिक्चर जब दोबारा हुआ था आईपीएल, मतलब उस टाइम पे जब शुरू हुआ था तब इंडिया में शुरू हुआ था, आप सबको याद होगा। गेम्स हो रहे थे बराबर, सही सिचुएशन पे हो रहे थे, पर जी जी अनमोल भाई उस टाइम कोविड का टाइम था, चलो फिर भी पलाश भाई अपने कोविड का टाइम था, बिना काळजी करते हुए बिना काळजी करे और दुबई में चले गए थे कवर कर। जी हां दुबई में गए थे और उसके बाद पिच रिपोर्ट कवर की थी। और मुझे अच्छे से याद है पलाश भाई हर वक्त दुबई से हमें अपडेट देते थे, और मतलब यहां आपकी रिपोर्ट ऐसी है वैसी है,
जी हाँ, हमें मुझे आपको अच्छे देखा से हाल याद है बता देते बिल्कुल। हो क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है उस समय दुबई में, कौन कोविड में पॉजिटिव मिल रहा है ये भी बताते थे हमें। पर प्रॉब्लम यही था ना उस टाइम पे, जब हम दुबई के लिए जब पलाश भाई निकले थे, हमने एक हमारी जो थर्ड मीडिएटर एक कंपनी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हमको प्रॉब्लम, क्योंकि पलाश भाई के उस टाइम पे सिचुएशन ये था कि एक्चुअली में दुबई जाने के लिए जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। मतलब आप देख सकते हो हम लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते तो दुबई कहाँ से चले जाएंगे, तो नहीं, उस टाइम पे हमारे पास एक्सपेंसेस ही नहीं थे। एक्चुअल में इट इज थर्ड पार्टी जिसने हमें मतलब वहां तक लेके गए थे। तो पलाश भाई नाम तो लेने नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल नाम हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उस मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म भी वायलेट हो जाएगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था उसके चक्कर में। तो पलाश भाई एक्चुअली में हमारे लिए नहीं उनके लिए काम करने गए थे उस टाइम दुबई, पर सिचुएशन ये था कि उन्हें हम मतलब एक्चुअली में उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए उन्होंने हमें मतलब ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। अगर उस टाइम पे वो अगर इतनी सी भी कुछ भी गलतियां हो जाती तो फ्यूचर बर्बाद था पलाश भाई का, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल, उसके बाद भी वो तो उन्होंने था वो ही, रिस्क लिया, बहुत बड़ी उसके जोखिम थी वो बाद पलाश भाई के लिए। हाँ बहुत बड़ी जोखिम था, उसके बाद भी आपने जिस तरह से काम किया बहुत बहुत धन्यवाद पलाश भाई उसके लिए था। नहीं, ये दर्शकों के लिए अभी इस स्पोर्ट्स क्लब के लिए ये सब मुझे अभी मुझे प्रसन्न भाई ऐसे जैसे जैसे कुछ कि रॉ के एजेंट हो। अब जो है हमारे लिए एक सौभाग्य है जो कुछ भी है। जी जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ भी है वो तो अब है ही। उस आईपीएल के बाद मुझे याद है जब आप दुबई से इंडिया आए थे पलाश भाई, उस टाइम पे आपको इतनी बिल्कुल डांट भी खानी पड़ी। उसके बाद लेकिन जब हम लोग टीम में मतलब हम लोग ऐसे कॉल में जुड़े हुए थे तो क्वारंटाइन सब भी रहना पड़ा अपडेट हुए। उनको 15 दिन, हाँ और क्वारंटाइन भी क्वारंटीन के रहना पड़ा बाद, था हमें। हाँ जब आप क्वारंटीन में थे मुझे याद है हम लोग सब कॉल पे थे और सब हंस रहे थे उस टाइम पे कि कैसे सब कुछ हुआ, मतलब आईपीएल हो गया, एवरीथिंग इज वेंट डाउन, कैसे लाइक मैनेज कर लिया। तो इतना सब ये इतना मैनेज सब हुआ भी हम लोग जो हंस रहे थे एक टाइम। जो ये गवर्नमेंट का जो नियम है उसे फॉलो करना तो पड़ता ही था कि उस टाइम तो हर एक हाँ को गवर्नमेंट का नियम को फॉलो करना चलिए, पड़ता हम था। लगता है मुझे लगता है कि अपन अपनी स्टोरी से भटक कर रहे तो थोड़ा आगे जाते हैं। उस टाइम पे जब हमारा सिचुएशन सही रहा उस सब सबके बाद, जब हम लोग सारी सिचुएशन को नॉर्म काम डाउन करने के बाद आए, उसके बाद जब आईपीएल खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब हमें पता था कि हमें कहीं नहीं मिलने वाला, कुछ भी मौका नहीं मिलने वाला कहीं का। हम लोगों ने बढ़िया पब्लिक का साउंड लिया और दुबई के वेदर वेदर को स्टडी करना शुरू किया, डेली पिच रिपोर्ट हमने बनाना शुरू किया। इंडिया पाकिस्तान का मैचेस मुझे याद है जब हम पिच रिपोर्ट बनाया करते थे, इधर से बैठे बैठे बनाते थे, पर बढ़िया पिच रिपोर्ट बनता था, सबको लगता था कि दुबई वाला पिच रिपोर्ट है। तो हमें एक सजेशन में आया कि भाई आप लोग क्यों नहीं डालते थे कि लाइव फ्रॉम दुबई, ताकि टाइटल्स पे व्यूअर्स ज्यादा बढ़े। तो उस टाइम पे हमने लाइव मतलब उस टाइम पे हमने लाइव फ्रॉम दुबई डाला पिच रिपोर्ट पे। लेकिन उसके बाद मुझे याद है उस वाला वर्ल्ड कप भी हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ा, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, मुझे याद है आप सबको याद होना है वो सितंबर 2021 का समय था, कोविड जस्ट फ्री हुआ था इंडिया से, कोविड चल ही रहा था पर उतना उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे होना चाहिए। उस टाइम जल्दी जल्दी नागपुर में सारी चीजें बन रही थी और एक महीने पहले हमें एक अक्षय भाई का फोन, अक्षय सर का फोन आता है, अक्षय भैया हमारे, अक्षय सर हमारे लिए हम तो भैया ही बोलते हैं, सर भी है अभी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो उन्होंने कॉल किया था हमें उस टाइम पे एक महीने पहले कि आपको भी याद होगा कैलाश भाई, हम तीनों साथ में थे, आप अक्षय हाँ भैया हाँ भाई अक्षय सर और मैं, हम तीनों साथ में थे। उन्होंने कॉल करके बोला कि एक टूर्नामेंट है जिसको हम ऐसा ऐसा सिचुएशन है, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना तुम लोग उसको लाइव स्ट्रीम करो। आई मीन ये देखो क्या हो सकता है कि सब कुछ उनके मतलब, देखो एक सीन है कि जी। हाँ मैं कहता हूँ, मुझे मैं बताना चाहता हूँ सबको, मेरे हाँ लाइफ पे और ये स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल इंडिया पे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है जी, उनका। बहुत बड़ा सपोर्ट है वो, ना सिर्फ आपकी दादा हमारी सबकी ठीक लाइफ है, पे उनका ये जो सपोर्ट आपने था। बात ये जो बात आपने मेंशन की है यहाँ पे वो तो ठीक है, पर उससे पहले एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। हमें जो एक सही तरह से पुश मिला वो हमने एक हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जी था हाँ, मे उसपे बी मैं मेरे आऊंगा, ख्याल से। उसपे मैं यस आऊंगा, उसपे मैं आऊंगा, हाँ एक्चुअली मैं उसपे मैं आऊंगा। उसके लिए भी मैं मतलब मैंने बनाया रखा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको स्टोरी, हम एक फेजेस वाइज बता रहे हैं। तो फ्रेंडशिप ट्रॉफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि उस टाइम पे हम लोग लाइव स्पोर्ट्स कवर करने वाले थे, हमने इससे पहले वर्चुअल लाइव स्पोर्ट किया था मतलब हैंड क्रिकेट किया था, और उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा सीन बना क्या सब हुआ।
पर जब हमें उस फ्रेंडशिप ट्रॉफी का ऑफर आया 1 महीना पहले, सब कुछ एकदम नया नया था, फिर भी हमने कॉन्फिडेंस में बोल दिया हाँ हाँ अक्षय सर हम कर लेंगे लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, याद है कैलाश भाई आपको, हमने सब ऐसे कॉन्फिडेंस में बोल दिया हाँ कर लेंगे। लेकिन उस टाइम जब अक्षय सर का कॉल कटा, मैं और कैलाश भाई हम लोग कॉल में थे, हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग करेंगे कैसे, क्योंकि अब हमारे पास तो लैपटॉप था नहीं और लैपटॉप के लिए हमारे पास फंड्स है नहीं, पर हमें करना था लाइव स्ट्रीम, मतलब एक पैशन था कि करना है लाइव स्ट्रीम। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन ये था हमारे में, करना तो कैसे करना है, करना तो है किसी भी हालत पे करना है, करना कैसे है। तो मुझे याद है कि मतलब एक तो सिचुएशन ये था कि हमको घर से बाहर निकलना कैसे है, क्योंकि कैलाश भाई तो नागपुर में थे, मैं था मुंबई में था, आप और दो तीन दिन पहले मुझे कॉल आया कि तू नागपुर में आना, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था हम दोनों का, तो उस टाइम मैं नागपुर आया और उस टाइम अक्षय मुझे नागपुर में थे, मैं नागपुर आने के बाद सीधे मैं घर गया, जो काम था काम निपटा, फिर घर आया, फिर दूसरे या तीसरे दिन आप आए थे। जी हाँ बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि उस टाइम पे आप भी गांव पे थे, तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब घर से बाहर कैसे निकला जाए, अब क्योंकि हर पेरेंट्स है मतलब वो फिकर तो करते ही है कि भाई कोविड है सिचुएशन है, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल गया। उसके बाद हमने किस तरह से सब कुछ निकाला और धीरे 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 करके उस सबको मैनेज करके फिर जब हम फ्रेंडशिप ट्रॉफी से बाहर निकले, अब जब हम नागपुर में आए उस टाइम पे एक अलग ही लेवल का थ्रिल था कि भाई कैसे होगा इवेंट लाइव, एक चिंता भी थी कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी रिसर्च की यूट्यूब पे, काफी कुछ ढूंढा वो सब किया कि कैसे कर सकते हैं, तब हमें एक थर्ड पार्टी ऐप मिला, आई डोंट थिंक कि हमें उस ऐप को मेंशन करना चाहिए यहाँ पे, पर हमें एक थर्ड पार्टी ऐप मिला, उसके बाद हमने सोचा कि चलो इसको लाइव स्ट्रीम करते हैं। मुझे याद है पलाश भाई हम लोग दोनों साथ में कॉन्फ्रेंस में थे और कैलाश भाई घर में थे, मतलब हम तीनों साथ में थे उस टाइम पे, मैं कैलाश भाई के घर में बैठा था और आप हमारे साथ आप सब्जी आप खाना बना रहे थे उस टाइम, मैं यहाँ पे बैठा था पलाश भाई के साथ कॉन्फ्रेंस में थे हम लोग सब, और एक्चुअली में हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या सीन होगा कैसे बनेगा, सब कुछ एकदम नया नया था, तो कैसा होगा क्या करेंगे कैसे लाइव करना है कैसी कॉमेंट्री, मतलब देखो कॉमेंट्री का एक्सपीरियंस तो था हमारे पास क्योंकि हमने हैंड क्रिकेट किया हुआ है, उस पर भी आएंगे, लेकिन जब हम उस टाइम पे सीन था कि कैसे करना है लाइव स्पोर्ट रहेगा, एक तो हम तीनों भी हम चारों भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यानी हम कोई को कुछ भी नहीं दिखता, एक्चुअली में वहां से लाइव कॉमेंट्री करनी तो करनी कैसे है, कैसा होगा सीन कैसा बनेगा स्कोर क्या रहेगा हमें कैसे पता चले, ये वो इतने सारे सवाल थे। उस सब के बाद क्या हुआ, ऊपर से बोनस क्या हुआ, हम लोग गए, अब इवेंट शुरू होने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी चालू होने वाली है, और हमने उस अपने टूल को यूज किया और पता चला कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हो रही है भाई, सबसे बड़ा चीज। अब हमने बोला कि अब भाई क्या होगा, भगवान की कृपा रही उस दिन किसी तरह से मेरे फोन से स्ट्रीम स्टार्ट हुई, पता चलता है कि मोबाइल हैंग भी हो गया था। हाँ मेरा फोन हैंग हो गया था, मेरे फोन से स्ट्रीम स्टार्ट हुई और उसके टाइम पे हमको नहीं पता था स्ट्रीम स्टार्ट हुई, आकाश भाई ने स्ट्रीम देखा, मैंने बोला कि भाई और उधर से मैं भी घर से देख रहा था। आप घर में थे उस टाइम पे, लेकिन हम लोग तीनों ग्राउंड में थे, आप सोच के देखो हम लोग चारों ग्राउंड पे थे, मैं आकाश भाई कैलाश भाई और अपलाश भाई, हम चारों ग्राउंड पे थे और ओपनिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो अब क्या सीन हो रहा था कि अब स्ट्रीम होने वाली है स्टार्ट, पर हमको समझ नहीं आ रहा, पहला बॉल गिरने वाला है, टॉस हो चुका है, एवरीथिंग इज लाइक हैपनिंग नाउ, और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब स्ट्रीम क्या होगा। लेकिन उसके बाद क्या आकाश भाई को थैंकफुली दिख गई स्ट्रीम की चालू है, एक टाइम पे मतलब उस स्ट्रीम को चालू है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरे फोन का स्क्रीन ब्राइटनेस था एकदम जीरो, क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड है तो ब्राइटनेस जीरो रखते हैं। तो जब उन्होंने खोला स्क्रीन शेयर वाला, मतलब वहां से क्योंकि हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे स्क्रीन पे, तो उसके बाद उन्होंने उससे ब्राइटनेस बढ़ाया, फिर ऑडियो को अनम्यूट से म्यूट मतलब ऑडियो को लाया, उसके बाद स्ट्रीम स्टार्ट हुई, और फिर भी वो मैच हमने आधा कवर किया, मुझे याद है लास्ट के कुछ पार्ट छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद से हमें एक्सपीरियंस आया कि भाई इस तरह से हम कवर कर सकते हैं भाई स्ट्रीम। पलाश भाई आपको याद है जब पहली बार हम दोनों साथ में कॉमेंट्री बॉक्स में थे और हम लोग बातें ही करते जा रहे थे, उसके बाद पानी की भी कमी जो आ रही थी, तो कैलाश भाई आकाश भाई हमारे धूप पे थे उस टाइम पे, ग्राउंड में धूप थी उस टाइम भी, हम लोग के लिए वो धूप से पानी लेके आ रहे थे। इसके बारे में क्या ही मतलब आप लोगों का जितना धन्यवाद किया जाएगा कैलाश भाई आकाश भाई उतना कम। बिल्कुल बिल्कुल और उस टाइम धन्यवाद देने की बात नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हम सबको करना है, कुछ भी हो अगर हम और कुछ तरीके से मेहनत करें तो वो भी एक हमारा काम है ना।
हाँ सब जी हाँ, इस चैनल के लिए मेहनत करना हमारा सौभाग्य है, इस चैनल के लिए हम काम कर रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है, और ये चारों हम पेड़ आगे पानी भी पिलाना हो या फिर लाइसेंस शुरू करना हो। जी हाँ, और या आगे बिल्कुल बिल्कुल हम आगे भी आपके साथ आगे भी ऐसे ही ऐसी ही बने करने रहेंगे। हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सूरज भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो जो जैसे कि उस टाइम पे सिचुएशन था, और अक्षय भाई को भी मतलब अक्षय सर को भी क्रेडिट जाता है एक्चुअली में, सॉरी अक्षय सर हम आपको भैया ही बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम में एक्चुअली में आपको हम भैया ही बोलते हैं, आप हमारे लिए सीनियर एक मार्गदर्शक, बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए, और तो अक्षय सर का भी हमने मतलब इतना बड़ा थैंक कहेंगे कि उस टाइम पे उनको एक तो एक नहीं चीज हर चीज मैनेज करनी थी क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के वो अब सब जानते हैं उस टाइम पे वो उनका पास ओहदा बहुत था, और उस टाइम पे वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, होस्ट भी कर रहे थे, मतलब उनको सारी चीजें देखनी भी थी कि प्लेयर्स कौन से जगह पे आ रहे हैं, होटल से लेके स्टेइंग से लेके खाने से लेके सारी चीजें देखनी है, उसके बाद से वो हमारे पास आके हमसे पूछ रहे थे कि स्ट्रीम चल रही है या नहीं, बराबर सिचुएशन चल रही है या नहीं, और मुझे याद है जब हम मैचेस खत्म कर रहे थे तो काफी प्लेयर्स मतलब खुद ही हमारे पास आए थे इंटरव्यू देने के लिए, हमारे कैलाश भाई आकाश भाई भी प्लेयर्स के पास गए थे, अप्रोच किया और उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे उस टाइम पे, सीरीज में काफी मेमोरेबल चीजें रही थी उसके बारे में बड़ी जब बहुत सारी यादें हैं उस फ्रेंडशिप ट्रॉफी से जुड़ी हुई, तो एक्चुअली में वो फ्रेंडशिप ट्रॉफी था जो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट था पलाश भाई हमारे लिए। बिल्कुल गेम चेंजिंग मोमेंट था उस टाइम, और पहली बार जब कमेंट्री करने गए बहुत ही मजा आया, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा जब स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम बताया आपने, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आया था थोड़ा सा हम थोड़ा सा हम नाराज हो गए थे, थोड़ा सा एकदम डर भी गए थे, और एकदम से चालू जी हुआ हाँ था। और लेकिन लेकिन अगली बार से हमने वो तैयारी करके रखे पहले से ही कि आप वो परेशानी आनी नहीं चाहिए, हमने यही सोचकर अगली बार जो है हमने वो परेशानी को खत्म करने का प्रयास किया और स्ट्रीमिंग को पहले ही रेडी करके रख दिया हमने। और उस टाइम पे जब सिचुएशन आया था आप सबको याद है, पहला गेम हुआ उसके बाद जो पहले दो दिन का उसके बाद फाइनल वाइनल जितना सारी सीने हुई उस टाइम जब आप लाइव व्यूअर्स देख रहे थे 500 व्यूज, मतलब जिस चैनल पे हम मिल के भी 10-12 व्यूज इकट्ठा कर पाते थे 15-20 दिन में, उस चैनल पे अगर एक दिन में 500 व्यूज आते तो स्पेशल चीजें थी वो हमारे लिए, काफी काफी स्पेशल मोमेंट्स थे वो उसके बारे नहीं, में ये तो सोने पे सुहागा जैसे काम हो गया, एक वीडियो में 500 व्यूज आना मतलब बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल, और उस वक्त मुझे याद है मैंने दादा का फोन किया था, दादा बोला व्यूज बहुत अच्छे आ रहे, बोला 500 लगभग लोग देख रहे, दादा बोले क्या, तो फिर मैंने बोला अरे हाँ एक बार आप चेक कीजिए, तो जी हाँ उस टाइम क्योंकि सूरज भाई सूरज भाई घर में थे, हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ग्राउंड में थे हम लोग को मैच में ध्यान देना था तो हम लोग स्ट्रीम को चेक नहीं कर पा रहे थे, तब सूरज भाई का फोन आया था एक्चुअली में मेरे फोन पे क्योंकि पलाश भाई के फोन पे स्ट्रीम चालू थी, और नहीं मेरे फोन पे स्ट्रीम चालू थी, पलाश भाई के पास फोन आया था, पर मेरे पास उस टाइम फोन था क्योंकि पलाश भाई बॉल में बिजी थे, तो मैंने फोन पिक किया और सूरज भाई ने कहा कि दादा इस समय ये सिचुएशन है, आई वॉज शॉक्ड, उसके बाद मैंने सबको बोला तो सब भी शॉक्ड हो गए पूरी तरह से हैरान कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम और उस टाइम इनिंग्स ब्रेक में सूरज भाई भी जुड़े थे हमारे साथ। उस टाइम इनिंग्स ब्रेक में सूरज भाई भी जुड़े थे फर्स्ट डे सेकेंड डे दोनों ही दिन। जी हाँ बिल्कुल, जब हमने पहली बार जब लाइव स्ट्रीम की थे ना पलाश भाई तो हमें तो बहुत खुशी हो रही थी पहले हमें, मगर जब हमारा जब टेक्निकल जब एरर हुआ ऐसे हमारे एकदम जो मोरल था एकदम पूरा एकदम नीचे नीचे एकदम डाउन हो गया था, उस टाइम थोड़ा बहुत मुझे बहुत मुझे अफसोस हो रहा था उनके इतर पब्लिक हमारे साथ जुड़ गई थी हमारे साथ लगभग 500 के आसपास हमारे, और आखिरी के मोमेंट्स आखिरी के मैच के जो अंतिम समय था जब जीत हासिल होने वाली थी टीम को वही हम कवर नहीं कर पाए, वही वहां पर हम हमारा पूरा मोरल एकदम नीचे आ गया था माइनस में आ गया था पूरा, हमें लगा कि अब वहां से हम फिर वहां से हम बोलना बहुत कुछ सीखे हो ना से हम जी हाँ जो वहां से जो हम बहुत कुछ सीखे वो आज हमारे बहुत काम में आ रहा है ऐसे हम बोल सकते हैं फिलहाल के कंडीशन में, जो जैसे अभी हमारे अनुभव लाइफ टीम करते अलग अलग जगह मैच में या जैसे अभी थाने में लाइफ टीम करता तो वहां पे मैं अकेला ही नहीं था, आप भी थे, आकाश भाई भी थे, और उसके बाद उसका ट्रिक कबड्डी और अभी भी बता दूं आपको जो अकोला का जो
फाइनल हुआ था अकोला महाराष्ट्र के बीच, उसमें भी अभी तक 205 वीडियो व्यूज अब तक आ चुके हैं उसमें भी, तो ये बहुत अच्छी बात है जी, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मुझे याद है अपन ने नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने टूर कवर किया था, वो पूरा टूर ऐसा कोई भी मैच नहीं था कि वहां छूटा हो, और वो लातूर का टूर था हाँ, जहाँ पे आप अकेले सूरज भाई कमेंट्री कर रहे थे। उस टाइम पे सिचुएशन ये था कि मैं नहीं जा सकता था, पलाश भाई नहीं जा सकते थे, और हमको भरोसा नहीं था कि भाई अकेला कोई कमेंटेटर कैसे पूरी सीरीज निकालेगा। लाइक एक्चुअली में 8-8 ओवर्स कवर करने हैं, उस टाइम पे सिचुएशन ये था कि ये सब चीजें हैं। वो जो मैं 10-10 ओवर का मैच था, 10-10 ओवर का मैच था, और आप लोग फाइनल में खेले थे, मुझे याद है आप लोग जब फाइनल में थे, और उस समय पे सूरज भाई जो था वो 15 ओवर का मैच था। और उस टाइम पे बारिश, मतलब पहले दिन बारिश हो गई थी, हम सब बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसा था हम लोग सब इकट्ठा हो गए थे। हम लोग अभी एक नया स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर निकाला था हमने, एक और लैपटॉप हमने आउटसोर्स किया था, मेरे गुजरात के फ्रेंड है बिरगुराज भाई, उनसे उनका उन्होंने हेल्प करने के लिए हाँ गई। हम लोग बढ़िया टीम टॉक पर इकट्ठा हो गए, आज का दिन होगा बढ़िया। सुबह 8:30 बजे से मुझे याद है लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी कि भाई चलो आज अभी कुछ समय में दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी, कुछ समय मैचेस होंगे, फिर ग्राउंड से अपडेट आ रहा है भाई। मुझे याद है मैं इधर से अपडेट देता था कि अभी यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब हमारे स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है। आपको पता चलता है कि पुणे के कप्तान को 12 बजे चढ़ते बसी बजा करते थे वहां पर, बारिश हो गई, बोले अभी कुछ नहीं, अभी बारिश हो गई, दूसरे दिन फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे बोले, और मैचेस थोड़ा जल्दी शुरू होंगे। सबसे मुझे याद है मैं सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचा, मैं मेरी टीम के साथ नहीं गया था, बट मैं पहुंचा ग्राउंड पे, वहाँ पे कुछ सर वगैरह बैठे थे, उनसे मिला, और उनसे जब मैं मिला उन्होंने पूछा कि तू एज अ टीम मेंबर आया है कि क्या, मैं बोला नहीं मैं हमारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, मैं उनके तरफ से आया हूँ। बोले कितने सब्सक्राइबर है, हमारे उस वक्त सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं थे, ओनली 350 के आसपास सब्सक्राइबर थे। मैं बोला 350, तो एकदम हैरान हो गए 350 सब्सक्राइबर है और फिर भी तू लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है। मैंने कहा हाँ, तो वो एकदम मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि चल आ बैठ हमारे साथ और तू पूरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कर। और ऋषिकेश सर थे और एक मुझे याद है उस टाइम पे पंकज सर थे, पंकज सर हाँ, जो कि हमारे साथ तो फ्रेंडशिप ट्रॉफी से जुड़े हुए थे उस टाइम पे, तो हमारे साथ वो फ्रेंडशिप ट्रॉफी, तो मुझे याद है उस टाइम पे सूरज भाई हमारे 350 भी नहीं थे, 300 सब्सक्राइबर्स के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स थे, 290-295 ऐसे कुछ थे। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब उससे पहले मुझे याद है, अब हम हैंड क्रिकेट पे आते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी पार्ट है, वो ऐसा पार्ट है जिसको हम भूल नहीं सकते। आईपीएल खत्म ही हुआ था दोस्तों, जस्ट क्या हुआ था कि आईपीएल पोस्टपोन हो गया था, और उस टाइम हम लोग सब बोर हो रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ तो करते हैं। मुझे याद है जब हमने कैलाश भाई को फोन किया था, तो हम लोग सब कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिचुएशन वो उस टाइम पे नहीं थी अवेलेबल। उसके बाद हम लोग क्या गए, हम लोग गए इधर पलाश भाई, ज्यादा पलाश भाई ये लोग थे, हमारे अमित राज भाई भी एक हमारे साथ थे जो उस टाइम पे जुड़े थे टूर्नामेंट पे, वो लोग सब हम लोग बैठे कॉन्फ्रेंस में ऐसे बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या सीन करना है, क्या नहीं करना है, एंड्रॉइड को कैसा प्रोसीड करे, तो हम लोग को ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसा करना है। सब इकट्ठा हुए, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन बना, और पहले दिन से लेके मतलब टूर्नामेंट के सारी टीमें, 8 टीमें इकट्ठा की हमने, 8 लोगों इकट्ठा किए और कॉल पे जुड़ते थे हर दिन 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और हर दिन लगातार मैचेस खेलते थे 20-20 ओवर के, 10-10 विकेट्स के, और फिर उस पूरी लीग को खत्म किया। उसके बाद आए सेमीफाइनल्स के गेम्स की किस तरह से करना है, तो धीरे धीरे सिचुएशन क्या हुआ कि सेमीफाइनल्स के पहला गेम रहा, उसको हमने क्या किया कि उसके हमने मतलब हर बॉल का नोट बना के एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के नोट रखा, और उसका आइडिया मुझे कैलाश भाई ने दिया कि इस तरह से आप नोट बनाओ, उसके बाद अपन देखते कि वॉइस ओवर कॉमेंट्री कैसे करेंगे। फिर हम लोग, मैं और पलाश भाई टेलीग्राम पे जुड़े और हम लोगों ने वॉइस ओवरिंग करना, क्योंकि उस टाइम पे सूरज भाई का नेटवर्क कनेक्शन का इतना इशू हुआ करता था कि वो टेलीग्राम पे आते थे और आवाज अटक जाता था, अभी भी थोड़ा बहुत चलता है लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही था, तो हम दोनों के ऊपर ही काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। याद है पलाश भाई आपको, जब हम लोग
पहले दिन कमेंट्री करने आए थे, टॉस वाला शो करना था और सबको एक्सप्लेन करना था कि हैंड क्रिकेट कैसे करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे टॉस करने के लिए दोनों कैप्टन बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम प्रेशर भाई अमोले ने जी भी आपकी और मेरी तारीफ भी की थी उस टाइम, जो आपने प्रेजेंटेशन किया था और जो टॉस किया था आपने, उसकी जगह जगह पर चर्चाएं हुई थी अनमोल जी, आपने जो टॉस किया था ना इको में, और जबरदस्त जो दोनों कैप्टन के साथ टॉस हुआ था, बिल्कुल वो तो पूरी टीम के लिए एक स्पेशल मोमेंट था बिल्कुल। जब टॉस हुआ और उसके बाद जैसे जैसे एडिटिंग में करता गया, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे इतना बड़ा 2 घंटे का वीडियो और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं एडिट कर पाऊंगा। एक्चुअली मैंने कैलाश भाई को फोन किया, मैंने बोला भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने बोला कि नहीं कोशिश तो करना, इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहिए इंसान को। तो उसके बाद जब हम एडिट कर रहे थे धीरे 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 धीरे, तब मुझे याद है मैं किसी के कॉल्स भी पिक नहीं कर सकता था, इतना सिचुएशन था कि मैं किसी के कॉल भी पिक नहीं कर सकता था। उस टाइम यदि हम देखें अनमोल जी, सब कोविड से परेशान थे, घर पे बैठे हुए थे, सब कोविड से त्रस्त थे, और उस टाइम ऐसे टाइम में एक मनोरंजन कुछ तो चाहिए था दर्शकों के लिए, तो उस टाइम ये हैंड क्रिकेट हमने सबके लिए लाया था। उस टाइम हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, सब लोग लॉकडाउन में थे, फंसे हुए थे, तो उस टाइम पे जब हमने एडिटिंग शुरू की, एडिटिंग करके खत्म की, तब मुझे याद है हम लोग सब लोग एक साथ लाइन में थे, मैं पहला आप थे, पलाश भाई, कैलाश भाई थे, सूरज भाई, आकाश वगैरह सब थे, हम लोग सब लाइन पे थे, आकाश भाई वगैरह हम सब लाइन में थे, और मुझे याद है वीडियो मैंने बोला कि 2 घंटे का वीडियो बना है, हम लोग प्रीमियर करेंगे इसको। तो सब लोगों ने सोचा कि एक ये क्या नया प्रकार, हम लोग सब नए नहीं, उस टाइम सब कुछ नया था, तो हम लोग 1:30 बजे का प्रीमियर हमने किया था। अनमोल जी एक्चुअली मैं आपके साथ उस टाइम नहीं जुड़ा था। हाँ हाँ आप नहीं थे जी हाँ, उस टाइम पे आप नहीं थे, बिल्कुल सही, उस टाइम आप नहीं थे, उस टाइम में पलाश भाई हैंड क्रिकेट का मैं कवर नहीं कर रहा था। हाँ हैंड क्रिकेट में आप नहीं थे, पर आपने शेयर किए थे वीडियो, मुझे याद है अच्छे से देखा भी था। कवर नहीं किया था आपने, बिल्कुल सही कहा, उस टाइम मैं पलाश भाई और सूरज और कैलाश वगैरह और हम लोग अमित राज वगैरह हुआ करते थे सब लाइन। सबसे ज्यादा हैरान मैं था कि जब प्रीमियर जो शब्द सुन सुन के मैं हैरान था, ये क्या प्रकार है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मतलब प्रीमियर के बारे में मुझे भी नहीं पता था उस टाइम तक, मुझे भी नहीं पता था कि क्या सीन बनता है। उसके बाद रिसर्च करके मैंने सोचा कि चलो फिर यही ऑप्शन ठीक रहेगा, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब हम लोग मिले बैठे, सोचा क्या चलो प्रीमियर करते हैं दर्शकों के लिए लाइव, मतलब ऐसा लाइव जैसा एटमॉस्फेयर बनेगा, सब चैट करेंगे एकदम से, सब कुछ मजा ही आ जाएगा। और फिर क्या हुआ था कि हम लोग ऐसे बैठे थे, मुझे याद है बैठे बैठे हम लोग बैठे थे, तो मुझे एक आइडिया आया पिचिन की बाउंड्री और छक्के के लिए एक शॉट, एक गाना होना चाहिए कुछ ऐसा कि जब मजा आ जाए उस पे, और मेरे दिमाग में मौज कर दी शब्द आया, और उसके बाद मैंने मौज कर दी वाला गाना ढूंढा यूट्यूब पे और उसको रिकॉर्ड का उसका जो ऑडियो बनाया छोटा सा कॉपी, मुझे डर लग रहा था कि उसका उस पे हमें कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए उसको बहुत छोटा छोटे पार्ट्स में काट के हर छोटे चौके छक्के पे लगाया। उसके बाद क्रिकेट के इफेक्ट्स लगाने, क्राउड का आवाज डालना, इतनी सारी चीजें करने के बाद जब हमने इवेंट शुरू किया वो वाला, और पहले दिन जब हमने इतने सारे व्यूअर्स एक साथ, क्योंकि वो पहली बार था ना कि हम लोग सब इकट्ठा लाइव देख रहे हैं, खुद की आवाज देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हेडफोन्स डाले हुए हैं, और हम मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई इतने सारे व्यूज एक साथ, अरे भाई सब तगड़ा। और दादा लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब नकली वाला मैच चल रहा है, सब बोल रहे थे अरे बाप रे क्या गजब की लाइव स्ट्रीम हुई है, वो भी एकदम रेडियो कमेंट्री की तरह। और हम लोग ऐसे इकट्ठे मिले, मतलब हम दोनों ऐसे कमेंट्री कर रहे थे, तो किसी को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग घर से कमेंट्री कर रहे हैं, सबको लग रहा था कि हम लोग दोनों साथ में बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं, मैं और पलाश भाई। मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से कि हमने वाड़ेगांवकर साहब, क्योंकि हमारे लिए काफी खास रहे हैं, उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसी स्कूल से हम सब ने पढ़ाई भी की है। एक्चुअली में वो स्कूल के साथ जो भी इश्यूज हो, पर वाड़ेगांवकर सर बहुत खास थे, तो इसलिए हमने उनका नाम दिया वाड़ेगांवकर वर्चुअल क्रिकेट स्टेडियम। और ये आइडिया एक्चुअली पलाश भाई आपने दिया था, है कि नहीं, नाम देने का? बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पीछे हमारे ये पलाश भाई कि आपका रीजन क्या था, ये आइडिया जो आपने दिया प्लान? जी रीजन यही था कि जो आपने किस चीज का रीजन पूछा मुझे,
ये वाड़ेगांव का क्रिकेट स्टेडियम नाम रखने का रीजन जी इसीलिए कि जो स्कूल से हमने पढ़ाई की उस स्कूल के वो संस्थापक थे और उनका उनके नाम से एक स्टेडियम जुड़ रहा था हमारे मतलब हमारे दिल में ये स्टेडियम नाम मतलब जुड़ रहा था इस स्टेडियम के साथ वाड़ेगांव का स्टेडियम करके, तो हमने सोचा कि नया हम जोड़ने चाहते तो यही एक बेस्ट था नया, क्योंकि फिर ज़्यादा पुराने हम नाम नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि यही बेस्ट होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई बेस्ट हमें लग नहीं रहा था उस टाइम, और सभी के लिए मनोरंजन भी करना था, तो ये एक बेस्ट नाम था वाड़ेगांव का स्टेडियम, तो हमने यही रखा, इसी रीजन से हमने ये नाम सूचित किया था। मुझे याद है पहले दिन उस टाइम जब लाइव स्ट्रीमिंग में लोग इतने सारे चैट्स देख रहे थे, उस पूरा टूर्नामेंट को खत्म होने के बाद मैं और कैलाश भाई हम दोनों कॉल में बैठे थे और हम लोग सोच रहे कि इतना सारा ऐसे हो कैसे गया, क्यों कैलाश भाई? जी हाँ जी, मैं तो पहले हैरान था, मैं जब 22 घंटे का वॉच टाइम था ये देख के मैं बहुत हैरान था, मैं 22 घंटे वॉच टाइम अचानक कैसे मिल गया बोल सकता हूं। हम सभी पब्लिक जो हमारे सपोर्टर को बाकी सभी क्षमा भी मांगना चाहेंगे हमारे व्यूअर से कि अनफॉर्चूनेटली हम फाइनल आप सभी के लिए कवर नहीं कर पाए, चलो उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। यस 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 जब हम फाइनल का एडिटिंग कर रहे थे उस टाइम पे इतनी सारी नॉइजेस हुई, मुझे याद है हम लोग कॉमेंट्री शूट की थी और एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे नवाज उस टाइम हो रही थी और कॉमेंट्री के टाइम पे उस टाइम नवाज का साउंड आया और काफी अनप्रोफेशनल लगा इतना सारा कि हमें रीशूट करने का प्लान बना था। अब हम रीशूट करेंगे बोलते बोलते टाइम निकल गया और फिर इवेंट स्टार्ट होने शुरू हो गए मैचेस, तो हम जल्दी सीजन 2 लेके आएंगे, आप लोगों की खास डिमांड है तो एक पक्का लेके ही आएंगे एक सीजन 2। आज आप सिर्फ बस इस वीडियो में कमेंट कीजिए और या अगर आप आयु देख रहे होंगे तो इस पे चैट कीजिए आप। जी हाँ, चैट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको सीजन 2 चाहिए तो बिल्कुल हम लाएंगे भाई सीजन 2। अगर आप लोग की डिमांड रही तो सीजन 2 आएगा और आप लोग की डिमांड पे हम बिल्कुल एक सीजन 2 बना के लाएंगे, एक बढ़िया सा फॉर्मेट बनाएंगे। ऑलमोस्ट बन ही गया था हमारा फॉर्मेट कैलाश भाई, आपको भी याद होगा हम दोनों ने मिलके बना भी लिया था एक फॉर्मेट, लेकिन उसके लिए भी काफी इश्यूज आ गए बीच में। हाँ जी, मुझे अच्छे से याद है मेरे को, हम इसके ऊपर कई घंटों पहले बात किए थे, फिर यहाँ पर आके हमारे साथ बैठ के भी बात किए थे हमने, मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जी, वो ऐसा एक फॉर्मेट बना था हमने, अगर वो हो जाता तो एक्चुअली पूरे आई थिंक पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हैरान कर देता अगर वो फॉर्मेट हमारा सक्सेसफुल हो जाता तो। उस टाइम पे मैंने पलाश भाई को बताया था, वो भी शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा सब कुछ, मतलब इतना ऐसा फॉर्मेट बन गया, वो मैच ऐसा ना किसी को लगे ना किसी को ना बॉल की ना बैट की आवश्यकता नहीं पड़ती जी, उस मैच में भी किसी को बॉल बैट की भी आवाज नहीं पड़ती और प्लेयर्स के नाम आते, 11 के 11 प्लेयर्स खेलते, वो एक अलग ही सीन बनता। लेकिन बहुत ही जबरदस्त मजा आया था उस टाइम। लेकिन आपकी जो कबड्डी की कमेंट्री रही अनमोल जी, वो स्टूडियो से आपने जिस स्टूडियो से कमेंट्री की वो बहुत ही बढ़िया थी, कमेंट्री अच्छी लगी कबड्डी की, उस पर लगातार चर्चाएं चल रही है अनमोल जी की कमेंट्री, बहुत लोग कह रहे हैं कि अच्छी लगी है कमेंट्री अनमोल जी की, तो ये बहुत मजा आया था जिस स्टूडियो से आपने की वो बहुत ही बढ़िया आवाज लगा। हाँ, उसके पीछे की कहानी अलग ही कहानी है। एक्चुअली में हम लोग नागपुर से आए थे 7th of November, उस टाइम वर्ल्ड कप अभी जस्ट शुरू ही हुआ था और अभी हमें पता चला था कि भाई तभी हमें पता चला था कि भाई लोग YouTube पे हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं YouTube से ही, मतलब बिना किसी एडिशनल टूल के। तो कैलाश भाई ने आइडिया दिया था क्यों ना हम कुछ कबड्डी का ट्राई करें, क्योंकि कबड्डी उस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा था, लीग चल रही थी। तो ये भी आइडिया कैलाश भाई का था, क्योंकि हमारे टीम में आइडिया इनोवेटर एक ही है कैलाश भाई, उसके अलावा पलाश भाई भी आइडियाज देते रहते हैं, सूरज भाई भी आइडियाज देते रहे, लेकिन कैलाश भाई ने हमें खतरनाक आइडिया दिया था उस टाइम कबड्डी क्यों ना करे। और एक्चुअली में प्रॉब्लम ये था कि कबड्डी में ही एक, मतलब देखो हमारे पलाश भाई क्रिकेट कवर करते हैं, सूरज भाई अदर स्पोर्ट्स जैसे WWE आप देख सकते हैं सूरज भाई कवर करते हैं, तो मुझे कबड्डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि चलो फिर हमारे पास ऑप्शन है, अब हम मतलब उस टाइम पे अभी हम कोर्स कर रहे तो 4:30-5 बजे तक हम फ्री होते हैं, उसके बाद आके उस एनर्जी के साथ कबड्डी पे कॉमेंट्री करना, मुझे लगा कि
काफी चैलेंजिंग होगा, लेकिन पहले दिन मुझे याद है बहुत ही बेकार कमेंट्री हुई थी। और मतलब मैंने खुद जब उस कमेंट्री को सुना तो एक्चुअली मैं खुद बोल रहा था कि यार इतनी बेकार कमेंट्री हुई तो मुझे नहीं करनी है दूसरे दिन। तब कैलाश भाई ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं दूसरे दिन ट्राई करे। तब दूसरे दिन मुझे याद है पलाश भाई आपका भी फोन आया था कि चलो पहला है, नया नया खेल है अपने लिए, नया नई चीजें है, दूसरे दिन ट्राई करके देखते कि अच्छा होता है या नहीं होता है। दूसरे दिन अच्छा हुआ, तीसरे दिन और भी अच्छा हुआ, चौथे दिन और भी अच्छा हुआ, पांचवे दिन तो बेस्ट हो गया, फिर छठवे सातवे आठवे लगातार दिन चलते गए। और बीच में हमने कबड्डी इसलिए रोक के रखी है क्योंकि अभी इवेंट बहुत आ रहे हैं। मुझे याद है सब लोग बोल रहे थे कि कबड्डी करेंगे यार, 17 तारीख को फाइनल है, जी हाँ प्ले ऑफ करेंगे, प्ले ऑफ करके आएंगे, प्ले ऑफ के लिए लाइव रहेंगे हम कबड्डी में, तो उसके भी टेंशन मत लेना, वो भी रहेगा लाइव अपने चैनल पे। तो इतनी सारी स्टोरीज हमने बता दी दोस्तों, इतनी सारी चीजें। और अभी कोई मूवमेंट, और अनमोल जी मुझे याद है कि इंडिया हार गया था वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में इंडिया हार गया था वर्ल्ड कप में, और फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। तो उसमें लाइव किया था, उस टाइम मैंने लाइव किया था, हमको भी नहीं पता था कि कौन लाइव कर रहा है भाई। तो ये जो हुआ था अनमोल जी, ये समय पर हुआ था, समय पर हमने तय किया, इसलिए आप सभी को भी खबर नहीं थी उस टाइम समय पर। क्या सिचुएशन था कि कोई भी अपने फोनों में एक्टिव नहीं था, पर अब ये भी कैलाश भाई गए थे उस दिन बाहर उनके कुछ पर्सनल रीजन के वजह से। उसके बाद हमारे जो हॉस्टल के जितने भी फ्रेंड्स अभी मेरे साथ रहते हैं वो सब एक्चुअली में बाहर गए थे और मैं अकेला था। मैंने मस्त रेडियो कमेंट्री लगाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, जब हम एशियन 11-16 पे सुनते हैं उस पर लगाई हुई थी रेडियो कमेंट्री, हेडफोन डाला हुआ था, स्क्रीन ऑफ, मुझे कॉल वॉल कुछ भी नहीं पता भाई, मैं मस्त आराम से सुन रहा था गेम। और लेकिन आपको पता कैसे चला अनमोल जी? फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मैच खत्म होने के बाद मैं गया यूट्यूब पे अपने, एक्चुअली मैं आप सब जानते हैं डेली अपन सुबह उठते हैं तो एक सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं, शाम को उठते हैं तो कौन से वीडियोस अभी लेटेस्ट अपन ने डाले वो देखते हैं। शाम को आया, देखा, चेक किया तो मैं शॉक्ड हो गया कि भाई दो दो लाइव स्ट्रीम। दूसरे दिन फिर मैंने आपको फोन करके पूछा कि ये सब कब हुआ, तब आपने बताया कि ये समय पे डिसाइड हुआ ये सब। इवन कैलाश भाई भी हैरान थे कि ये सब हुआ क्या। जो मैंने समय पर डिसाइड किया, समय पर पहले मैंने एक प्रीव्यू किया, प्रीव्यू शो स्टूडियो से प्रीव्यू शो किया, और उसके बाद फिर मैंने दर्शकों को ऐसे ही बोला कि अगर हमारा यदि हो सके तो सिचुएशन ठीक रही तो हम फाइनल की कमेंट्री आपको सुनाएंगे, फाइनल का लाइव प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये हमारा पहले निश्चित नहीं था, तो समय पर जब प्रीव्यू ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं अभी सिचुएशन ठीक ठाक है तो फाइनल का लाइव हम कर लेते हैं। तो उस टाइम फाइनल का लाइव करने मैं चला गया अपने स्टूडियो पे, और वहाँ से मैंने फाइनल का लाइव किया। और पहली बार तो एक दो बार तो वो स्ट्रीमिंग थोड़ी सी खराब हो गई, फिर तीसरी बार उसको ट्राई किया तो स्ट्रीम शुरू हो गई, लगभग 6-7 ओवर खत्म हो चुके थे पहले इनिंग के, तब मैंने शुरू कर दिया लाइव। तो उस टाइम आकाश जी ने सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया, सभी व्यूअर्स तक, और आखिरकार वो लाइव सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ, आखिरकार वो लाइफ अब सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद एक्चुअली मैं और कोई मोमेंट जो हम अभी अपने दर्शकों से शेयर करें, कैलाश भाई, पलाश भाई, आकाश भाई, सूरज भाई, आपको याद हो कोई ऐसा मोमेंट? और कोई तो अभी फिलहाल हमारे लातूर का मोमेंट शेयर करना चाहूंगा। मतलब मैं लातूर में कमेंट्री कर रहा था, पहला मैच किया, दूसरा मैच कवर किया, सारे मैचेस कवर तो किए, लेकिन उसमें ना आवाज जो मेरी बैठी हुई थी ना उसके, मतलब उसके दूसरे दिन जो मेरी आवाज बैठी थी, मतलब उसका क्या ही कहना। उसके बाद हमें एक और लीग कवर करनी थी और वो थी हमारी कॉलेज की लीग होती है ना, वो लीग कवर करनी थी। हाँ, और उसके बाद काफी सारे ऐसे लीग्स थी वो कवर करनी थी, वो सारे लीग्स कवर तो किए लेकिन मेरी आवाज की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा बैठा हुआ था। और उस वक्त पलाश भाई ने कहा था, लेकिन सूरज जी आपको याद होगा, आप उधर से आए थे कमेंट्री करके, लातूर है या पुणे है मुझे भी ज्ञात नहीं, लातूर से थे, वहां से कमेंट्री करके आए थे, और यहाँ पर नागपुर में महानगर पालिका की ओर से
एक जो है दो टीम तैयार की गई थी, नागपुर और नागपुर का मैच हुआ था, नागपुर नागपुर का मैच, वहां पर भी हमने कमेंट की थी और वहां पे एक स्मृति चिन्ह भी मिला था इस स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया को, एक स्मृति चिन्ह मिला था, उसकी हमने इमेज निकाल कर भी रखी थी उस टाइम, लेकिन अभी शायद है या नहीं है मुझे भी ज्ञात नहीं इमेज, लेकिन इमेज निकाली थी हमने, सर्टिफिकेट भी मिला था स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया की ओर से, तो महानगर पालिका का वो मैच आती है। पलाश भाई, हमने सबने मिलके जब फ्रेंडशिप ट्रॉफी खत्म की थी, एक प्राइस सेरेमनी होने वाली थी, प्राइस सेरेमनी, हम सबको कुछ भी आइडिया नहीं था कि हमारे लिए भी कुछ है वहां पे, तो एक्चुअली मैं ऐसे ही बैठ के हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी उस प्राइस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। जी हाँ बिल्कुल, उस टाइम याद है मुझे, वो भी हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया था हमने, और उस टाइम भी जो है वहां पर भी हमें कुछ मिला था ऐसा। जी हमें याद है, उस टाइम पे हमें कैश मिला था एक, और उस टाइम पे वो ही सब हमारे लिए बहुत कुछ था, मतलब एक्चुअली में वो पहला ही मोमेंट था, और पहला उसके बारे में तो हमने सोचे भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं की थी उसके बारे में, कल्पना भी नहीं की थी, वो तो अक्षय भैया, अक्षय सर हमारे, फिर से भैया बोल दिया मैंने, अक्षय सर जो महानगर पालिका में भी जो मिला हमें, महानगर पालिका में भी जो हुआ उसके बारे में भी कल्पना नहीं की थी हमने, ऐसी ही करने का सोचा था कि चलो भाई हमारे व्यूवर्स है उनको मैच दिखाया जाए, उनके बारे में हमने विचार किया और वही सोचकर हमने ये कमेंट्री की थी। तो उस टाइम पे मुझे याद है पलाश भाई, जब उस फ्रेंडशिप ट्रॉफी वाला मोमेंट था, हम लोग सब बैक बेंच थे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग का कुछ नहीं था, तो हम लोग पीछे बैठे हुए थे चेयर्स लगा के सारे, और स्ट्रीमिंग कैलाश भाई के फोन में चल रही थी और हम लोग सब बैठे, मैं आगे बैठा था, आप लोग और इधर पीछे कैलाश भाई थे, आप लोग थे उस साइड, पलाश और आकाश भाई, आप लोग सब इधर बैठे हुए थे पीछे साइड। तो उस टाइम मुझे याद है उन्होंने पहले मेरा नाम लिया कि ऑनलाइन कमेंट्री करते हैं हमारे। हां जी पलाश, हां हां एक्चुअली वैसा होता कि हम कमेंट्री कर रहे थे उस तुम्हें हम दिखा रहे थे। हाँ उस टाइम आप दिखा ही रहते, वही मैं बता रहा हूँ, उस टाइम अपन लाइव स्ट्रीम दिखा ही रहते, कैलाश भाई के फोन पे स्ट्रीमिंग चालू हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने मेरा नाम लिया कि ऑनलाइन कमेंटेटर थे हमारे। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं अकेला ही नहीं था यहाँ पे, हमारी पूरी टीम थी। उसके बाद हम सब, मतलब हमको सबको बुलाया उन्होंने, तीनों चारों लोग हम इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने हमें वो, जब हमें वो मोमेंट, आई थिंक मुझे हमेशा याद रहेगा उस सब के बाद, क्योंकि तुरंत बाद मुझे भी निकलना था घर के लिए, मुझे अच्छे से याद है, उसके दूसरे दिन हम लोग घर के लिए निकले थे, कैलाश भाई आपको याद होगा, हम लोग सब हम दोनों उस दिन साथ में ही निकले थे, साथ में ही ट्रेन से बैठे थे। उस मोमेंट पे, मतलब लिटरली वो जो फ्रेंडशिप ट्रॉफी वाला मोमेंट था, मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा, वो जो फर्स्ट प्राइज था वो हम लोग के लिए, फर्स्ट ऐसी चीज, पहला ऐसा गौरव जो कि हमें बाहर से मिला है। उम्मीद, मतलब देखो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और ना हम उम्मीद करते कि लोग हमारे काम को, मतलब हमारे दर्शकों के तक मैच पहुंच रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वैसे यदि हम देखें अनमोल जी, तो कई जगह पर हमने कमेंट्री की है, लेकिन अभी एक एक की हम डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन कई जगह पर हमने फिर भी, और यदि फ्रेंडशिप ट्रॉफी हो गई, महानगर पालिका का हो गया, तो और दो तीन जगह पे हमने कमेंट्री की थी। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स की बात के एपिसोड लगातार आते रहते हैं, ये हमारा एपिसोड चलते रहता है स्पोर्ट्स की बात के, तो उसकी भी लगा जल्दी ही प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार होगी। चलो मैम, एक और चीज पे बोलना था पलाश भाई, मुझे बस एक छोटा सा स्टोरी लाइन मुझे याद है, ओलंपिक्स और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बोलूंगा मैं। ओलंपिक्स से शुरू करते हैं। अब एक्चुअली मैं ओलंपिक्स कवर मुझे ही करना था, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स रहते हैं, सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, आप लोग सब बिजी थे वर्ल्ड कप, ये वुमेन्स क्रिकेट के टाइम पे, वुमेन्स क्रिकेट, और इस टाइम हमारी इंडिया की सीरीज चल रही थी, सॉरी इंग्लैंड के साथ, मुझे याद है इस टाइम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पे था, और उस टाइम इंडिया इंग्लैंड की मैच, इंग्लैंड इंडिया के मैचेस चल रहे थे और ओलंपिक्स चल रहा था, टोक्यो ओलंपिक्स, जो कि हमारा 2021 में रिशेड्यूल हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे ही करना था, और मुझे याद है रात को जगकर हम उस कॉन्टेंट को बनाते थे, उसके बाद एडिट करना, उस सब के बारे में इवेंट के डिटेल्स देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गलत इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो उस सबको, इस सब के बाद, इस सब की इतनी मेहनत के बाद, हम सब ने इतना करने के बाद ओलंपिक्स अब कवर किया था,
और व्यूज ही नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था फ्रस्ट्रेशन यार इतना कुछ करके क्या मिल रहा है मुझे, पर फिर भी मजा आता था। एक धीरे 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 करके ओलंपिक्स कवर किया और कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैंने और सूरज भाई हम दोनों ने साथ में ही कवर किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फोन की उतनी सिचुएशन नहीं थी कि मैं खुद से बना के कर सकूं, तो मैं क्या करता था सूरज भाई को कॉल कर देता था, तो हम लोग मिलके कॉल पे बातें करते थे, शो के बारे में थोड़ा डिस्कस करते थे, शो करते थे और उस शो को सूरज भाई अपने फोन से अपलोड किया करते थे। तो उस टाइम तक तो मेरे फोन की सिचुएशन बहुत आउट ऑफ हो गई थी, उसके बाद अब से नब जब नया फोन आ गया है उसके बाद से फिर पूरा वर्ल्ड कप मैं नहीं रहा। मैं एक कॉमनवेल्थ गेम का एक किस्सा बताना चाहूंगा, एक शो हमने ऐसे भी मतलब आप सभी के लिए लेकर आया था, उस वक्त मैं ट्रैवलिंग पे था एक्चुअली, और ट्रैवलिंग पे था, शो चल रहा था, मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा था और थोड़ा सा बाद में उतर के रोड भी क्रॉस करना था, तो ये चीजें जो है वो काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ था, आप लोगों का सपोर्ट था, इसलिए हमने ये सारी चीजें। मुझे भी याद है एक बार हम लोग मतलब मैं भी आउट ऑफ मतलब अपने घर से बाहर ही था, 5:30-6 बजे सुबह मैंने सूरज भाई को फोन किया कि अभी शो करते क्योंकि फिर 4 घंटे अवेलेबल नहीं रहेंगे अपन। उस टाइम पे 5:30 बजे सुबह उठ के हमने शो किया था कॉमनवेल्थ गेम्स का अगले दिन के लिए कि क्या सीन बन रहा है, क्या सीन है, तो वो कमिटमेंट दिखाया। और एक बार मुझे याद है कि एक बार तो ट्रेन में दुरंतो एक्सप्रेस से, एक्चुअली मैं वो फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आ रहा था अपने पापा के साथ था उस टाइम पे मैं, और मेरे पापा सो रहे थे उस टाइम, तो सिचुएशन ये था इंडिया श्रीलंका एशिया कप अभी जस्ट खत्म ही हुआ था 2 दिन बाद ही बात है, और सब लोग बोल रहे भाई एशिया कप का एनालिसिस, एशिया कप का एनालिसिस कहाँ है। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे हम दोनों ने प्लान किया था कि पहले रात को करते हैं, फिर सोचा था कि बाद में करेंगे, फिर सुबह सुबह मुझे लगा कि चलो अभी कर लेते हैं, तो उस टाइम पे ट्रेन में ट्रैवल करते करते शो, उसके बाद जब मैंने कैलाश भाई को बोला कि हमने ट्रेन में शो किया तो सब एक्चुअली में हंस रहे थे, है कि नहीं कैलाश भाई, उस टाइम पे ट्रेन में शो किया बिल्कुल, मैं स्टेशन में खड़ा था, मुझे आपका वेट कर रहा था, और जैसे उतरते वैसे आपने बताया था कि मैंने ट्रेन में शो किया, तो मैं ऊपर से हंसी आ गई थी, मतलब क्या क्या इतनी भी पागलबंदी के आ गए कि सब पब्लिक सो रहे और तुम वहां पे शो कर रहे हो। एक्चुअली मैं और उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ नॉर्मल हमें सुन रहे थे, तो होता ना पूछा कि भाई आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे, आप इतनी चीजें बता क्या रहे थे, एक्चुअली मैं ये हो क्या रहा था, तो मैंने किसी तरह से मैनेज किया और उन्होंने भी बताया कि हमारा चैनल है ये वो, सिचुएशन बढ़िया रही एक्चुअली में वो रहा सिचुएशन। उसके बाद सीन अभी सब हम लोग सेटल हुए, तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, सब एक बार नमस्कार बोल देते हैं दर्शकों को फिर कर देते हैं। अनुभव भाई वीडियो स्टॉप करने पहले मैं आपसे आपको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका जो आपने गोल देखा था मुझे 31 दिसंबर 2022 तक आपके 400 सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो एक्चुअली में वो गोल मेरा था और एक गोल है कैलाश भाई का, 31 दिसंबर से पहले 1000 घंटे का वॉच टाइम हमारा होना चाहिए, उस गोल को हम अचीव करने से ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हम दोनों के गोल्स कवर हो जाएंगे और फिर मोनेटाइजेशन के गोल के हम और करीब होते जाएंगे, है कि नहीं पलाश भाई और सूरज भाई और आकाश भाई। बिल्कुल बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि एक महीने पहले हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे याद है अगर आप सबको याद हो या ना हो पिछले 6 महीने से हम लोग 359 से लेके 363 तक घूम रहे थे, कभी 363 फिर उसके बाद 359 सब्सक्राइबर्स हो रहे थे, फिर 363 आपको मैं दादा को कॉल करके बता, दादा आज 360 हो गए, दादा बोलता अच्छा हाँ, फिर दूसरे दिन बताता दादा 359, अरे जी सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि हम लोग ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे तब हम मैं हाँ जी पलाश भाई जी अनमोल जी कैलाश जी और सूरज जी मैं गलत ना हूँ तो आपको बता दूँ, पिछले अभी आखिरी के जो 7 दिन हैं इस 7 दिन के अंदर 27 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए हैं 7 दिन के अंदर, तो ये मुझे ये काफी बड़ा रोल है, मुझे लगता है कि 7 दिन में 27 सब्सक्राइबर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हमारे उसी पे बात कर रहा था
उसी पे बात करने आ रहा था पलाश भाई। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुआ कि हमने कबड्डी लाइव स्ट्रीम करना शुरू की, एक दो सब्सक्राइबर्स उठा उठा के हमें 362-663 मिल गए थे और वर्ल्ड कप आने वाला था। और वर्ल्ड कप आने के टाइम पे कैलाश भाई को कहीं से एक सोर्स मिला कि उन्होंने वर्ल्ड कप का शेड्यूल वाला एक पूरा का पूरा वो डाल दिया मुझे एक व्हाट्सएप पे। मुझे याद है हम लोगों ने फिर वो मिलके उसको वॉइस ओवर किया, पलाश भाई ने उसका ऑडियो का रिपोर्ट बनाया एडिट वेडिट करके, उसके बाद मैंने उसके ऊपर वॉइस एनालिसिस वगैरह कर दिया और उसको अपलोड मारा अपने चैनल पे। उसके बाद एकदम से सब्सक्राइबर्स बढ़े थोड़े से। उसके बाद मुझे याद है जब हम गए थाने पे लाइव करने, जब हमारे सब्सक्राइबर थे 377 सब्सक्राइबर्स के साथ थाने में गए। मुझे याद है उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशंस एक मंथ तो कह रहा था कि 100% इधर ही 400 हो रहे हैं, एक मंथ कह रहा था कि नहीं होने वाले। तो एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, फिर भगवान की कृपा रही हम लोगों ने गोल दिया और लोगों ने पूरा कर दिया। हर वीडियो पे मैं यही बोलता था कि भाई हमको 400 सब्सक्राइबर्स करने हैं, अब हर वीडियो पे यही कहूंगा कि भाई 1000 घंटे का वॉच टाइम करना है और उसके बाद हम एक डबल सेलिब्रेशन करेंगे बढ़िया। 31 दिसंबर तक से पहले हो गया तो मस्त स्विगी विगी से कुछ ऑर्डर करेंगे बढ़िया, खाएंगे वाएंगे पियेंगे वियेंगे पार्टी वार्टी बल्ले बल्ले हो जाएगी 31 दिसंबर तक हो जाएगा। पर एक्चुअली अभी करंट में हमारे सब्सक्राइबर है 405। जी हाँ, करंट में 405 हो गए हैं अभी सब्सक्राइबर हमारे। तो अनुभव मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे अगर ये साल पूरा होते होते तक आप कितना सब्सक्राइबर एक्सपेक्ट करते हो फिलहाल फिलहाल कंडीशन में, मुझे कितने और हमारे मित्र जो नए जुड़ना चाहते हैं? मेरे हिसाब से एक एक बस एक ही, क्यों? क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं है कि और बढ़ सकते हैं ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे, और क्योंकि आप जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हो, पलाश भाई जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हो, सब जिस तरह से एफर्ट लगा रहे हो, आप भी एफर्ट नहीं लगा रहे, सब ने एफर्ट लगाया। हम मुझे लगता है मुझे लगता है तारीफ कर दी हमने सब की, प्रेडिक्शन हम 500 की तारीफ नहीं की। मेरा प्रेडिक्शन यदि पूछे तो 420 मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आपका 420 प्लस भाई, और मेरे हिसाब से 31 दिसंबर से पहले 450। आपका 450 मतलब सीधा एकदम 50 ऊपर उड़ रहे क्या? हाँ, पर आकाश भाई आप एक्चुअली मेरे तो 500 है। अरे भाई सबसे ज्यादा ये तो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन। और सूरज भाई आप क्या कहेंगे? मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं 435। चलिए सूरज भाई ने बीच का रुख अपनाया है। अच्छा, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? नहीं मैं सब्सक्राइब, अब आपने सब्सक्राइब तो बोल लिया, देखो कैसा मैं मैच के डर कैसा एक अलग रह रहता है ना, तो यहाँ पे मैं अलग रहना चाहता हूँ। मैं पे वॉच टाइम का 1000 से 1200 में पहुंचना चाहता हूँ। मैं 1200 मतलब 31 दिसंबर से 1200 घंटे का वॉच टाइम, क्योंकि यहाँ से अभी भी हमको कम से कम 160-260 घंटे का टाइम यहाँ से गेम करना है। गेम करेंगे जल्दी जल्दी धीरे धीरे। और दोस्तों ये सब आपके वजह से होगा, आप बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सके तो पूरा वीडियो देखिए जिससे हमारा वॉच टाइम बढ़े। और और, और, और अपने साथ साथ आप तो जुड़े हुए हमारे साथ में, आपके साथ साथ आपके नए नए मित्र जोड़िए, जो कि मेरा गोल तो अचीव हो ही, और जो हमारे जो साथी है पलाश भाई, आकाश भाई, सूरज भाई, अनमोल भाई, इनका गोल साथ में अचीव हो। जो सबसे बड़ा पे गोल है यहाँ पे आकाश भाई का सब्सक्राइबर का, तो 500 भगवान की दुआ से वो 500 सब्सक्राइबर मिल जाए। अगर अगर वो 500 सब्सक्राइबर मिलेंगे तो दो केक बनेंगे, एक नागपुर में केक आएगा और एक मुंबई में जहाँ पे इस समय हम है, और एक नागपुर में केक आएगा जो की अभी पलाश भाई यहाँ पे, आकाश भाई और सूरज भाई है, तो हमारे दोनों स्टूडियोज में केक कटेंगे एक साथ अगर 500 हो गए तो। भाई अनमोल जी, एक्चुअली 2023 में हम 1 जनवरी को सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नया साल का सेलिब्रेशन होगा उस टाइम। और अगर भगवान की कृपा रही तो 2023 के एंड में हम मिलेंगे आपको दिसंबर के मंथ तक, ये बोलते हुए कि हमारे 1K पूरे हो गए दिसंबर को जी। अगले 2023 के 31 दिसंबर को हम मिले आपको बोलते हुए कि चलो हमारे 1K पूरे करवा दिए आप लोगों ने, तो आप लोगों के पर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने शेयर किया सब कुछ हुआ तो भी बढ़ेंगे। आई थिंक हम लोगों ने बहुत लंबा बोल लिया है, मुझे लगता है 2 घंटे हो गए। बस एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, हालांकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेशक ना हो,
बट इसमें हमारी पूरी टीम का हाथ रहा है। तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग रिलीज हुआ है 27 तारीख को, मैं प्यार तुमसे करता हूँ, वो गाना भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, कंपोज्ड एंड लिरिक्स बाय सूरज भाई, सूरज भाई ने उसके लिरिक्स दिए है, कंपोजिशन भी दिया है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लेना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरज भाई ने लिखा है, कांग्रेचुलेशन, उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन सूरज भाई, बनाए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जैसे शुरुआत में बोला था कि काफी सारी खुशियां आपसे बांटनी है, बस यही खुशियां थी छोटी छोटी जो आपसे बांटनी थी, और आप सभी की दुआओं से ये पूरा हो चुका है। और चलिए अब आखिरी में हम पांचों को भी कांग्रेचुलेशन यार, सब लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, और बस काम ऐसे करते रहिए और सफलता हमारे कदम जरूर चूमेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं यार, सब लोग इकट्ठे मिलेंगे, एक आध दिन लाइव सब पांचों मिलेंगे तो एक आध दिन पर, मतलब ऐसे फिजिकली लाइव कर देंगे, अभी तो वर्चुअली मिले हैं, एक आध दिन पांचों मिलते हैं तो बढ़िया फिजिकली। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जी हाँ, जो लोग हमें देख रहे हैं भाई, कमेंट मार देना, चैट मार देना भाई, लोग शेयर कर देना। और हाँ, 5 या 7 तारीख को मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान गेम रहेगा, और 7 दिसंबर को हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स शाम को लॉन्च करूंगा मैं एक लाइव स्ट्रीम पे आके। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं आप सबके सामने दे रहा हूँ, 7 दिसंबर को स्पोर्ट्स क्लब का आप इंस्टा आईडी देखेंगे और ट्विटर हैंडल देखेंगे। तो ये एक नई अपडेट जो मैं आप लोग को दू, 7 तारीख को आऊंगा भाई एक अनाउंसमेंट करने, इन दोनों चीजों को लॉन्च करने, और साथ ही साथ इन दोनों को लॉन्च करने के बाद इस सबके बारे में बात करेंगे, बढ़िया से एक अच्छी सी स्ट्रीम बनाऊंगा, और इंडिया पाकिस्तान का गेम भी रहेगा ब्लाइंड क्रिकेट का, तो बहुत सारी चीजें रहेगी बातें करने, बहुत कुछ आने वाला है। अभी 4 और 5 को लिए भी आपको एक सरप्राइज आने वाला है आप लोग के लिए, उस सब के लिए भी तैयार रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।